गाइस इन दिनों में ना जो वीडियो लाइट स्पेसिफिकली होती हैं, जो एलईडी वीडियो लाइट्स होती हैं, उनका ट्रेंड जो है वो बहुत स्पीड से बढ़ता चले जा रहा है। स्पेशली कॉम्पैक्ट एलईडी लाइट्स लाइक दिस जो मेरे अभी हाथ में, जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, इस टाइप की लाइट्स का जो ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। आजकल हम लोग RGB लाइट्स देख रहे हैं, इसके साथ साथ में प्रोफेशनल बड़े साइज की फुल साइज की LED वीडियो लाइट्स देख रहे हैं। आजकल इवन स्टिल फोटोग्राफर्स भी जो कि फोटोग्राफी करते हैं स्टूडियोज में, वो स्ट्रॉब लाइट्स की जगह पे इस टाइप की वीडियो कंटिन्यू लाइट्स की तरफ ज़्यादा जाने लगे और ज़्यादा प्रेफर करने लगे हैं। रीज़न बहुत सारे हैं, बिकॉज ऑफ इनकी कलर एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है, आप सेम टाइम पे अपना एक्सपोजर समझ सकते हो। इसके साथ साथ में इन लाइट्स को आप वीडियो और फोटो दोनों में यूज कर सकते हो, और अगर आप सपोज करो सुपर स्लो मोशन कंटेंट बना रहे हो तो ये जो एलईडी लाइट्स होती हैं स्पेशली मेन जो मेंट फॉर वीडियो होती हैं, उनका फ्लिकर नहीं आपको वीडियो में देखने को मिलता। दैट इज वाई इस टाइप की वीडियो लाइट्स का आजकल ट्रेंड बहुत बढ़ता चले जा रहा है। इन दिनों में मैंने बहुत सारी वीडियो लाइट्स का जो है रिव्यू मेरे चैनल पर अपलोड किया है, जिसमें मैंने बहुत सारी RGB लाइट्स के बारे में बताया है, नॉर्मल LED लाइट्स के बारे में बताया है। आज मेरे पास एक बहुत यूनिक लाइट है, अगर आप इस रिव्यू को देखेंगे आई एम गिविंग यू अ गाइस, आप एक ऐसी वर्सेटाइल लाइट के बारे में समझोगे जो कि आपके वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के लेवल को एक स्टेप अप कर देगी। यहाँ पे मेरे पास में एक अपर्चर की है एमरन MW, ये एक कॉम्पैक्ट LED लाइट है जो कि वाटरप्रूफ है। हाँ आपने सही सुना, वाटरप्रूफ है, आप इसको पानी में लेके जा सकते हो। एक्चुअली मैं ये पानी में जा सकती है, मैंने इस लाइट को लिया ही इसलिए कि मुझे एक अंडर वाटर वीडियोग्राफी के ट्यूटोरियल्स बनाने थे, तो वो ट्यूटोरियल जल्द ही आपको मेरे चैनल्स पे देखने को मिलेंगे। स्पेसिफिक ट्यूटोरियल्स को बनाने के लिए आई बॉट दिस लाइट। जब आप अंडर वाटर शूट करते हो, चाहे वो स्विमिंग पूल हो, चाहे वो कोई फिश टैंक हो, या कोई भी स्पेसिफिक जगह हो जहाँ पे आप पानी के अंदर कैमरे को लेके जा रहे हो, वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, पानी में ऑलवेज आपको मिट्टी और इस टाइप का जो हेज होती है ना वो देखने को मिलती है। सो लाइट्स क्या करती हैं, बेसिकली आपको एक एक्स्ट्रा टोनल लेवल वीडियो के अंदर ऐड करने की फ्लेक्सिबिलिटी देती है। इसके साथ साथ में अगर आपके पास एक प्रोफेशनल ग्रेड की लाइट है तो आप पानी के अंदर भी, अंडर वाटर में भी सुपर स्लो मोशन और स्लो मोशन टाइप का कॉन्टेंट शूट कर सकते हो। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया मेरे पास में लाइट है अपर्चर की एमरन MW, और एमरन MW एक कॉम्पैक्ट सुपर पावरफुल लाइट है जिसको आप यूज करके बहुत वर्सेटाइल हाई क्वालिटी की फोटोज और वीडियो शूट कर पाओगे। ये दिखने में बहुत कॉम्पैक्ट है, आप देख सकते हो बहुत कॉम्पैक्ट सी एक रेक्टेंगल शेप में आपको लाइट देखने को मिलेगी। जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ जस्ट फॉर अ सेक, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कितनी पावरफुल है, ये अभी 10% पावर पे है, और जैसे ही मैं इसको फुल पावर पे डालता हूँ यू कैन सी कि पूरी वीडियो में जो है वो ओवर एक्सपोज हो गया। इवन अगर मैं इसको बाउंस कर रहा हूँ लाइक माई वॉल, तो स्टिल आपको जो है मेरे फेस पे उसका रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। और सुपर पावरफुल लाइट है ये, इतनी कॉम्पैक्ट लाइट है, बट जो इसकी पावर की लुमिनेंस है ये 4000 लुमिनेंस की ब्राइटनेस जो है वो प्रोड्यूस करती है। अब मैं इस लाइट को किसी भी तौर पे यूज़ कर सकता हूँ, बिकॉज ऑफ जो इसकी TLCI और CRI रेटिंग है वो 95+ पॉइंट्स की है। जब भी आप कोई वीडियो लाइट खरीदते हो तो आपको उसकी CRI रेटिंग्स देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। CRI रेटिंग से ये पता लग पाता है कि आपकी वीडियो लाइट कितनी अच्छे कलर्स प्रोड्यूस कर सकती है। तो ये जो लाइट है इसकी कलर एक्यूरेसी बहुत अमेजिंग है, बहुत अच्छे कलर्स ये प्रोड्यूस कर सकती है, बहुत अच्छे स्किन टोन्स आपको देखने को मिलेंगे जब आप इस लाइट को यूज़ करेंगे। अब इस लाइट को आप ऑब्वियसली, ये RGB लाइट नहीं है, इससे पहले मैंने जितने भी लाइट्स के रिव्यू करें वो RGB लाइट्स के थे। ये जो लाइट है ये फिक्स कलर मोड पे आती है जो कि 5600 केल्विन का कलर मोड है, तो ये CCTV नहीं है, आप इसमें येलो टोन या जो वार्म टोन होती है वो नहीं ले सकते हो, ये केवल आपको एक ही टोन प्रोड्यूस करके देगी, दैट इज डे लाइट कलर। बट अगर आपको स्टिल अपने कलर्स के साथ में चेंजेस करने हैं, आपको लाइट को वार्म और कूल करना है, तो इस लाइट के साथ में आपको बहुत सारी जेल्स देखने को मिलेंगी जो कि आप बेसिकली अपने लाइट को थोड़ा सा डिफ्यूज़ कर सकते हो, डिफ्यूजन शीट्स हैं। इसके साथ साथ में अदर जेल हैं जिसमें आप वार्मर और कूलर टोन दे सकते हो लाइट को, तो ऑब्वियसली ये चीज़ें तो आप फॉर श्योर यूज़ कर सकते हो जब आप इस लाइट को यूज़ करोगे। अब अगर मैं इसकी बैटरी लाइफ की बात करूँ, देखो कॉम्पैक्ट लाइट की बात होती है जिसमें अलग से बैटरी नहीं लगती, उस लाइट में बैटरी लाइफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप जब वीडियोग्राफी कर रहे हो, चाहे आप वेडिंग वीडियोग्राफी कर रहे हो और आपको टॉप लाइट भी चाहिए, उसको टॉप लाइट के तौर पर भी यूज़ करना हो, तो आप बिल्कुल इस लाइट को यूज़ कर सकते हो। बिकॉज ऑफ अगर आप इसको 20% पावर पर यूज़ करोगे तो ये 24 घंटे तक का बैकअप देती है, 24 आवर्स इस लाइट को आप बैकअप है, इतनी पावरफुल लाइट ये है गाइस।
3800 mAh की बैटरी लगी हुई है, दैट्स वाई आप इतनी देर तक इसको यूज़ कर सकते हो। चार्जिंग जो है ये अराउंड 1.5 आवर में फुल चार्ज हो जाती है, और अगर आप इसको फुल पावर मोड पे यूज़ करोगे तो अराउंड 1.5 आवर का बैटरी लाइफ आपको ये देगी। मेजॉरिटी केसेस मैंने देखा है फुल पावर यूज़ करने की नीड नहीं पड़ती है। ये लाइट बहुत सॉलिड है, बहुत रगेड है, और ऑब्वियसली एक एयरक्राफ्ट मटेरियल वाले एल्यूमिनियम से बनी हुई है जो कि बहुत सॉलिड और रगेड बनाता है। दैट्स वाई ये वाटरप्रूफ है, IP68 रेटेड है, तो आप 30 फीट तक आप इसको आसानी से पानी में लेके रह सकते हो। स्विमिंग पूल वमिंग पूल में जाना है टेंशन फ्री होके जाओ। जब आप इस लाइट को खरीदोगे तो आपको इस टाइप के बॉक्स में देखने को मिलेगी, और इसके अंदर से इस टाइप का बहुत ही अच्छी क्वालिटी का केस देखने को मिलता है। इस लाइट को कैरी करने के लिए लाइट मिलेगी, जेल्स मिलेंगे, डिफ्यूजन शीट मिलेगी, एक बहुत अच्छी क्वालिटी की टाइप सी केबल मिलेगी जिसके थ्रू आप इसको चार्ज कर सकोगे। टाइप सी के थ्रू ये चार्ज होती है। ऑन ऑफ के लिए बटन है, लाइट को ब्राइट और डिम करने के लिए बटन है, और वेलक्रो शीट्स भी मिलती हैं अगर आपको इस लाइट को कहीं पर स्टिक करना है तो। मैंने इसके साथ में ट्विस्ट किया था लाइट के साथ में, मेरे को स्पॉटलाइट वीडियो इफेक्ट बनाना था। स्पॉटलाइट वीडियो इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट होता है जो कि आप ड्रोन के थ्रू क्रिएट कर पाते हो और आपकी वीडियो को और ड्रामेटिक लुक देता है। सपोज करो आप कोई इंटेंस मोमेंट शूट कर रहे हो अपने कंटेंट में और आपको स्पॉटलाइट वीडियो इफेक्ट चाहिए हो, तो मैंने क्या किया था, अपने मैविक केयर के नीचे इसको प्लेस किया, वेलक्रो के थ्रू मैंने मैविक केयर के नीचे बेस पे कनेक्ट करके और इसको लाइट को फ्लाई किया था, और फॉर्चुनेटली इसने फ्लाइट ले ली थी लाइट ने, मेरा ड्रोन टेक ऑफ कर गया था, और उसके बाद मैंने ड्रामेटिक जो बेसिकली स्पॉटलाइट इफेक्ट होता है मेरे वीडियो में वो क्रिएट करा था, और वो आपको स्क्रीन पे अभी दिखाई भी दे रहा होगा। इसके साथ साथ में गाइस इतना ही नहीं, इस लाइट में आपको मल्टीपल मोड्स भी देखने को मिलते हैं। सो सपोज करो आप शूट कर रहे हो कहीं पे भी किसी भी लोकेशन पे और यू वांट टू सिमुलेट सम सॉर्ट ऑफ इफेक्ट इन योर वीडियो, तो आपको इसमें बिल्ट इन जो है 5 इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे डिफरेंट, जिसमें आपको इस तरीके से ये पेपराजी है जिसमें बेसिकली वो आपको जो कैमरा की फ्लैशेस चलती हैं उसका इफेक्ट आप क्रिएट कर सकते हो। इसके साथ साथ में आपको ये फायर वॉर्स वाला है, फायर वॉर्स का इफेक्ट बिल्कुल ही क्रिएट करके देगा, ठीक है। इसके साथ साथ में आपको ये बेसिकली फॉल्टी बल्ब वाला है, और बिजली कड़कती जो लाइटिंग होती है उसका वाला इफेक्ट है, एक फेक टीवी वाला इफेक्ट है। तो इसमें ये 5 इफेक्ट्स आपको बिल्ट इन देखने को मिलते हैं जिनको यूज़ करके आप अपने सीक्वल में एक डिफरेंट टाइप का इफेक्ट या फिर एक फेक इफेक्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हो। और मैं बहुत टाइम पे जो है मेजॉरिटी केसेस में इस टाइप के इफेक्ट्स जो है अपने वीडियो में ऐड करना बहुत पसंद करता हूँ। ओवरऑल बहुत अच्छी लाइट है ये, इसके लिंक वैसे मैंने बाय द वे डिस्क्रिप्शन में ऐड करे हैं इफ़ यू वांट टू बाय दिस लाइट। इसके साथ साथ में गाइस अगर आप अंडर वाटर वीडियोग्राफी कर रहे हो तो ये एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। जब आप अंडर वाटर वीडियो शूट करते हो ना, प्रॉब्लम क्या होती है गाइस, वहाँ पे जनरली जब आप पानी के अंदर जाओगे, चाहे वो स्विमिंग पूल का ही पानी हो, क्योंकि मेजॉरिटी केसेस में जो स्विमिंग पूल का पानी होता है वो बहुत क्लीन नहीं रहता है, राइट। तो इन केस ऑफ दैट जब आप अंडर वाटर शूट करते हो स्विमिंग पूल के अंदर, तो वहाँ पे बहुत हेज और जो बेसिकली डस्ट होती है ना पानी में वो देखने को मिलती है। और आपका कैमरा क्या होता है, अगर आपका एक सिंगल कैमरा है आपने इवन बहुत हाई ISO पे भी आप उसे शूट कर रहे हो तो आपको क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं मिल पाती और इवन नॉइस प्रोड्यूस होने लग जाती है वीडियो में। और अगर आपके पास में इस टाइप की लाइट है जिसके ऊपर आप अलग अलग कलर के जेल लगा करके क्रिएटिव लाइटिंग डालना चाहो अंडर वाटर वीडियो में भी, तो वो कर सकते हो। आप ऑब्वियसली प्री वेडिंग शूट करते टाइम पे, वेडिंग शूट करते टाइम पे इस टाइप की लाइट को अंडर वाटर वीडियोग्राफी करते टाइम पे क्रिएटिव वे में यूज़ कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लाइट है गाइज ये, फॉर श्योर आप इसको ट्राई करें। और अंडर वाटर वीडियोग्राफी वाले ट्यूटोरियल जल्दी आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेंगे, तो वो भी आप उसके लिए भी स्टे ट्यून रहिएगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो गाइज सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून गाइज एंड कीप शूटिंग।